नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई, दिन सोमवार। आखिर राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट को लेकर जदयू के ललन सिंह ने कही ये बात। मुकेश सहनी ने पार्टी को लेकर कह दी ये बात। जदयू पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने किया यह दावा। लालटेन युग की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कही ये बात। नीतीश के एनडीए में शामिल होने को लेकर सुशील मोदी ने कही ये बात। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट को लेकर जदयू के ललन सिंह ने कही ये बात। महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के टूट के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी काफी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल एनसीपी पार्टी के नेता और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी का दामन छोड़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इस टूट के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा का यही खेल होता है, वह जनता की ताकत पर भरोसा नहीं करती है, जोर तोड़ पर विश्वास करती है, पर जनता की ताकत पर सब दिन उनको झटका ही लगेगा। वही मीडिया द्वारा ललन सिंह से पूछा गया कि क्या बिहार में भी भाजपा इस तरह की कोशिश करेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश कर चुके हैं, भाजपा को हर दिन झटका ही लगा है। इस वजह से टली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक। 13 और 14 जुलाई को होने वाले विपक्षी दलों की दूसरी बैठक टल चुकी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह बैठक एनसीपी पार्टी में टूट की वजह से टाली गई है। हालांकि इस बैठक के टालने की वजह संसद सत्र को बताया गया है। बता दें कि अब यह बैठक मानसून सत्र के बाद आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी जदयू नेता केसी त्यागी द्वारा दी गई है। मालूम हो कि यह बैठक बेंगलुरु में होनी है। इस बैठक का ऐलान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार द्वारा किया गया था। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है। अब दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, जिसमें यह तय होगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उन्हीं ही की पार्टी से टूट की खबर सामने आने लगी है। मुकेश सहनी ने पार्टी को लेकर कह दी ये बात। बीते ही दिनों एक कार्यकर्ता सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के लिए किसी गठबंधन में जाना या नहीं जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि गरीबों को उसका अधिकार दिलाना प्राथमिकता है। साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने जो भी मुकाम हासिल किया है वह कार्यकर्ताओं के संघर्ष का ही परिणाम है। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता को बताया विकलांग। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बदलाव को लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि यह टूट विपक्षी दलों की बैठक की वजह से ही सामने आई है। बता दें कि महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टी में चल रही इस टूट की गर्मी बिहार तक भी आ रही। अब इसी बीच बिहार में विरोधी दल जमकर विपक्षी दलों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के पहल पर तंज कस रहे। अब इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने भी विपक्षी एकता में मौजूद सभी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वह तो होना ही था। विपक्षी एकता के नाम पर पूरे देश में जो कोशिश चल रही है उस कोशिश का नतीजा इसी रूप में आना था। विपक्षी एकता के नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर इसलिए भी होना था कि जिस माँ की कोख में विपक्षी एकता नाम का शिशु है वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चे की क्या स्थिति होगी। पप्पू यादव ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लेकर कही ये बात। राज्य में कई लोग शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी बीच चाप के अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म किया जाए। सीटेट बीटेट परीक्षा के बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना भी गलत है। वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के भी बयान पर आपत्ति जताई है। दरअसल शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि बिहार में मैथ और साइंस के शिक्षक नहीं मिलते हैं। पप्पू यादव ने इस बयान को लेकर कहा कि इस तरह का बयान देखकर उन्होंने बिहारी युवाओं का अपमान किया है। बिहार की प्रतिभा का दुनिया लोहा मानती है। वहीं इस नीति को लेकर उन्होंने कहा कि 10% सीटों को सरकार अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रख सकती है, उनके पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर मांझी की पार्टी ने की यह भविष्यवाणी। जब से महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के बीच टूट की खबर सामने आई है, तब से बिहार में कई विरोधी दल यह दावा कर रहे हैं कि जदयू में भी टूट की खबर सामने आ सकती है। अब इसी बीच हाल में ही महागठबंधन से खुद को अलग कर बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल होने वाले जीतनराम मांझी के पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन द्वारा कहा गया है कि 5 से 10 दिनों के भीतर बिहार में खेला होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घबराहट में अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार पार्टी में संभावित टूट से डर गए हैं। पिछले 2.5 साल के भीतर मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिले और अब फोन करके विधायकों और सांसदों को बुलाकर उनसे मिल रहे हैं। ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार को अल्टीमेटम मिल चुका है और उस अल्टीमेटम से वे विचलित हो गए हैं।
जदयू पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने किया यह दावा। नीतीश कुमार के चुनावी क्षेत्र नालंदा के थरथरी प्रखंड स्थित एक विद्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत और साथ साथ जयकारे भी लगाए गए। कार्यक्रम में आए चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पार्टी में टूट की वजह से मुख्यमंत्री जी को अब डर लग रहा है। उनके कई विधायक और सांसद दूसरे दलों के संपर्क में है। साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि जदयू के कई नेता तो उनकी पार्टी लोजपा पार्टी के संपर्क में है। साथ ही नीतीश को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा यह डर लगता है क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। लालटेन युग की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कही ये बात। लालू यादव के लालटेन युग की चर्चा करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए। वो खुद कहते हैं कि पहले अपराध बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोग कहते हैं कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मगर जैसे ही वोट का समय आए और तब वो कहेंगे कि बीजेपी जीत रही है तो लालटेन को वोट दे दो। आज मुसलमान भाई का सोचना है कि जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज बिहार में आदमी को चार बात याद है। पहला, हमारी जाति क्या है, चुनाव में कौन हमारी जीत का प्रत्याशी है उसी को वोट दिया जाएगा। समाज में जो जाति से बच गया उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं और घर में लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का झंडा लेकर मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। बिहार आजादी के 75 साल बाद भी सबसे पिछड़ा राज्य है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते लोगों का बुरा हाल है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को नीतीश कुमार को बताया आका। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब नीतीश कुमार को एक दिन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में जिस तरीके से छात्रों और नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उससे प्रदेश की जनता विद्रोह करने की स्थिति में है। जदयू के विधायक भी डरे हुए हैं, अगर वे मुझसे संपर्क करते हैं तो हम जरूर बात करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के जीवनी का लालू प्रसाद द्वारा किए जा रहे विमोचन को लेकर उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव अब नीतीश कुमार के आका बन गए हैं। लालू यादव की कृपा से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार अब वही कर रहे हैं जो लालू प्रसाद कह रहे हैं। बीजेपी विधायक ने बिहार में योगी मॉडल लाने की कही बात। बिहार में कई बार विपक्षी दलों ने योगी मॉडल की चर्चा की थी, अब एक बार फिर से यह चर्चा जोरों पर है। दरअसल बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक अरुणा देवी ने धर्म विशेष की राजनीति करते हुए योगी मॉडल की चर्चा की और कहा कि जो मुगलों के शासन में नाम रखे गए हैं उस नाम को भी बदलना चाहिए। योगी मॉडल लागू होगा तभी बिहार का विकास और बिहार का कल्याण होगा। आगे उन्होंने कहा कि आज हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे कतई नहीं देख सकती है। उन्होंने बताया कि 2024 और 25 का चुनाव जीतने के बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो नाम को बदला जाएगा, हम बिहार में भी योगी मॉडल लाएंगे। मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर सामने आई यह बात। अभी मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जिन राज्यों में चुनावी घड़ी नजदीक है उन नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की खबर है। इसके साथ ही कुछ नेताओं को मोदी कैबिनेट से बाहर भी किया जा सकता है। बता दें कि यह फेरबदल इससे पहले साल 2021 में ही हुआ था। हालांकि फिलहाल यदि मोदी कैबिनेट में किसी प्रकार के बदलाव होते हैं तो लगाई जा रही अटकलों के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को प्रमुखता दी जा सकती है। साथ ही यूपी, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से भी कुछ नेताओं को मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। भाजपा नेता सुशील मोदी के दावे पर जदयू ने ली चुटकी। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र एनसीपी में हुई टूट की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। सुशील मोदी के इस बयान पर जदयू का पलटवार सामने आया है। दरअसल जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए कहा गया है कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन रहे हैं, इसका तो मतलब ये हुए कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। मालूम हो कि महाराष्ट्र में भी विपक्षी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने अपने 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र में मौजूद एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे दिया है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने को लेकर सुशील मोदी ने कही ये बात। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने वाली अटकलों को लेकर सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब वो अगर नाक भी रगड़ ले तो इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जब हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा था कि जदयू के एक बड़े नेता के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है, अगर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार अपनी नाक रगड़ ले तो भी अब इस जन्म में बीजेपी के दरवाजे उनके लिए फिर से नहीं खुलने वाले हैं। वो एक नहीं बल्कि दो बार बीजेपी को धोखा दे चुके हैं, अब बीजेपी और धोखा नहीं खाना चाहती है। मालूम हो कि प्रशांत किशोर द्वारा यह दावा किया गया था कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं और हरिवंश जदयू कोटे से ही राज्यसभा सांसद हैं।
मायावती ने यूसीसी को लेकर कही ये बात। देश में हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा देखी जा रही, पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कोई इसके पक्ष में अपनी बातें कह रहा तो कोई इसका विरोध कर रहा। अब इसी बीच बीएसपी के अध्यक्ष मायावती का बयान भी सामने आया है। दरअसल मायावती ने समान नागरिक संहिता की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसे जबरन थोपने को प्रावधान बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल नहीं करके संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो कि इस समय की जा रही है। संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों में टूट को लेकर किया यह दावा। अभी बीते ही दिनों एनसीपी का साथ छोड़ अजीत पवार भाजपा नेत एनडीए के साथ मिल गए और उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अब अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा करते हुए कहा कि अजीत पवार की तरह यूपी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सपा गठबंधन और अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं। एनसीपी की तरह सपा गठबंधन में भी फूट होने की संभावना है। जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बता दें कि जिस तरह से विपक्षी दलों में टूट की खबर सामने आ रही है, यदि सच में फिर से ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नासिर, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, दया शंकर प्रसाद, मोहम्मद सरफराज, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जो नेता धर्म और जाति को राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, आपके अनुसार उन नेताओं की समाज में क्या छवि है? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।